सकती हूँ, क्योंकि जैसे इसके हमें ये जो थोड़ी सी आँच रख ला लो चूल्हे के ऊपर, इसको रख लिया। ये जो हम लोगों ने बुलाई इकट्ठी की थी, जो हफ्ते की बुलाई इकट्ठी की थी, तो कितना कम कर लिया, फिर भी नहीं। इसको थोड़ा गर्म कर लेना, दूध जो मलाया बनाई है, और इसके दो हफ्ते की तकरीबन 8 दिन वो हमने रखी है, तो ये थोड़ी हो चुकी है गर्म, थोड़ा गर्म हो गया। अब इसमें हमने दही बनाया था, इसको ये इधर शामिल कर लेते हैं। इसमें ये इसको कई लोग जाव कहते हैं, कई लोग इसको जामुन कहते हैं। इसको इसके अंदर मिला के इसको सारे को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। थोड़ी सी और डाल देते हैं, थोड़ी सी ना थोड़ी सी और डाल देते हैं, थोड़ी खट्टी काम है ये तो। ये हमने इसको गर्म करके रख लिए, नीम गर्म करके उसमें जामुन यानी जाग लगा लिए। तो अब इसको इधर रखते हैं, इसको एक बार रखने के बाद इसको अच्छी तरह ये गर्म कपड़े में लपेट दिया, क्योंकि ठंड है तो इसकी वजह से जो है ना ये जल्दी नहीं। कवर कर दिया इसको अच्छी तरह से, ताकि ये इसका जो है ना दही बन जाए। इसके ऊपर ये डाल दें, चलो एक दो घंटे में हमारा दही जो है ना ये जो हफ्ते भर की जो बलाई थी हमने उतारी थी उस वो जो है वो इसमें जान जाएगी। मिस्टर इसमें नीम गर्म करके हमने इसमें जामुन लगा दिया, जामुन या क्या उसको बोलते हैं, दही थोड़ा सा शामिल किया, जाग भी बोलते हैं लोग उसको, तो ये हमने इसमें शामिल करके तो इसको अब इधर रख दिया तकरीबन 2-2.5 घंटे तक इंशाल्लाह ये ना हो जाएगा। इसको फिर ब्लो के तो इसमें से मक्खन निकाल लेंगे। सर्दियाँ में इसलिए हमने इसको याद रखा है, तकरीबन 2 घंटे लगे हैं। ये जो हमने दही चबाया था ना तो उसकी मसल है ये, इसको तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। पहले तो गर्मियों में तो सिर्फ आधा घंटा में ये हो जाता है, ये दही जो बन जाता है उसको जो मलाई वो जो हमने तकरीबन 8 दिन के जो दूध से मलाई वगैरह उतारी थी वो हमने इधर में से उसको जाग लगाई थी, तो वो अब हम इसको देखने लगे घंटे दो घंटे बाद उसे कैसा बना देखते हैं। माशाल्लाह से अच्छी जाग जो सही जम गया ये। अब इसको उठा के तो फ्रिज में रख लेते हैं, उसमें तकरीबन आधा घंटा रहेगा तो फिर इसको बुलाएंगे इसको, तो अच्छा फिर इसका रिजल्ट जो है ना देखते हैं कैसा आता है। अब हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं, इधर रख लेते हैं, ये आधा घंटा तकरीबन रहेगा ना इधर, तो इंशाल्लाह ना ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। भाई इसको बुलाएंगे इसको बंद करते हैं, तकरीबन आधा घंटा ये फ्रिज के अंदर रहेगा ना, तो भी इसको बुलाएंगे तो मक्खन ज़रा जल्दी आ जाएगा। अच्छा जी ये फ्रिज से निकाल लिया हमने इसको, अच्छा जी ये फ्रिज से हमने निकाल लिया ये ना,
इसको इधर रखेंगे रखेंगे ये क्या उसको ये कि इसको पहले हमने लोगों ने जाग लगा के दही बनाया था, फिर इसको तकरीबन तब जो दही ये जो बलाई है दही की शक्ल में आ गई है, तो फिर इसको फ्रिज में रखा। तो वैसे तो इसके साथ या जो मशीन की वो होती नहीं है इलेक्ट्रिकल वो क्या उसका इलेक्ट्रिकल जो मदानी होती है उसके साथ, लेकिन आज हम इसको बगैर उसके करेंगे मदानी के बगैर इसको इसको मदानी के रखते हैं इधर और इसको करते हैं बलो के इसको सर्कल में। इसको इस तरह सर्कल में कर लाई जाना है, ये इसको दोनों हाथों से करेंगे क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल है इसलिए वो ज़रा होने में मुश्किल हो रही है। इसको ना दोनों साइड से इधर से भी और इधर से भी पकड़ के ना इसको इस तरह कर जाए सर्कल में क्लॉक शेप में। अगर मसा आपके पास फर्ज क्या मदानी नहीं है तो वैसे भी इसके साथ भी कर लेते हैं, इसको सर्कल वाइज ऐसे करे जाएंगे इधर से भी। अभी ना थोड़ा इसको करते हैं दोनों हाथ से कैमरा रख के तो ये मोबाइल रख के तो खुद में दोनों हाथों से इसको करती हूँ सर्कल वाइज इसको करेंगे ऐसे मतलब ऐसे इस साल शेप में हो क्लॉक क्लॉक वाइज तकरीबन 10-15 मिनट बाद ये मक्खन सारा ऊपर आ जाएगा इसका। इसको तकरीबन 5 मिनट से हिलाया तो क्लॉक वाइज हिलाया तो इस तरह हो गया इसके, ये इसका सूरत हाल हो गई है। तो अभी ना तकरीबन 10-15 मिनट और करते हैं तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त मक्खन हमारा तैयार हो जाएगा विदाउट मदानी शदानी मक्खन ऊपर इसके सर्कल वाइज करो चलो आना शुरू हो गया मक्खन पर इकट्ठा हो जाएगा ना शुरू हो गया जल्दी हो जाए नमाज भी पढ़नी है बर्फ के साथ इकट्ठा होना शुरू हो गया। जाओ इधर जाओ बस हो जाएगा थोड़ी देर देख लेना बस हो गया आ गया मक्खन आ गया बस अभी हो जाता इकट्ठा बर्तन छोटा है चलो ये दूसरे स्टील के बर्तन में डाल लेते हैं। अच्छा
अच्छा जी विदाउट अच्छा जी विदाउट मदानी ये तैयार हो गया हमारा मक्खन कुछ हमने इधर वो स्टील का जो बर्तन है उसमें डाल दिया ये देखिए कितना प्यारा मक्खन सिर्फ 10-15 मिनट उसको सर्कल वाइज घुमाया बर्तन को फिर बाद में ठंडा पानी और बर्फ़ डाली और ये घर का फ्रेश मक्खन तैयार रेडी विदाउट मदानी या मशीन पानी इतना सारा निकला है मदानी बिल्कुल बेचारी साफ ये भी दिखाओ ना ये रख दो पकड़ो ये रखो